या पूरी सिरसा की अगर सियासत को देखें तो चौधरी देवीलाल परिवार के बाहर किसी ने अगर राजनीतिक पहचान बनाई है तो जगदीश नेहरा जी का स्थान उनमें सबसे ऊपर आता है। आज हमारे साथ ये राजनीति की बातें करने के लिए मौजूद हैं। नेहरा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। 1985 में ये हुआ, राजीव गांधी का और लौंगोवाल का समझौता हुआ और उसमें चंडीगढ़ हरियाणा को आएगा, पंजाब को ये जाएंगे, गांव जाएंगे। चंडीगढ़ पंजाब को मिलना था, अपने को वो 107 गांव, 107 गांव में तो उसमें ही रोड़ा पड़ रहा था जी। तो मतलब है वो इनुमरेटर शायद दिल्ली से मैथ्यू आयोग भी शायद तभी बना था। मैथ्यू आयोग ने तो पहले फैसला कर दिया ना, लेकिन इनुमरेटर्स आए थे देखने के लिए भी उन गांव में हिंदी स्पीकिंग है या गुरमुखी स्पीकिंग है, इस बात को देख जी। तो उस टाइम मतलब है जो आए तो मैं, मेरे को चौधरी भजन लाल ने उधर में हमारी रिश्तेदारी थी जो हमारा गांव फाजिलका के पास था। अच्छा। तो फाजिलका में रिश्तेदारियाँ थी तो इन्होंने कहा, उनकी भी रिश्तेदारी थी क्यों, बिश्नोइयों गांव थे काफ़ी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा तू जा यार वहाँ 107 गांव का रेजुलेशन जा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, भजनलाल ने ड्यूटी लगा दिया, ड्यूटी लगा दी। तो मैं गांव में फिरा, 107 का रेजुलेशन ले आया। अच्छा। तो फिर कहने लगे कभी कंदूखेड़ा गांव है ना, वो तो बहुत फेमस गांव रहा है उस दौरान। तो कंदूखेड़ा गांव में रोड़ा था, तो मैंने तो भजनलाल को एक मतलब उनको कहा, मैंने कहा अपना ये कंदूखेड़ा तो इसमें एमपी भी है, वो सरदार है, और इसमें उनके बिश्नोई था एक सरपंच हनुमान, तो वो समुंदर सिंह थे ना। हाँ, उनको फिर गोली मार दी। हाँ, उनके बाद में हत्या हो गई। मैंने उनको दोनों कहा था वो मर जाओगे, ये हिंदुस्तान में इधर आ गया तो। तब वहाँ तो आप स्कूल में प्रकाश सिंह बादल और इनसे मिले। इनसे मिले, इन्होंने बुलाया मेरे को, तो मैं गया तो पीछे खड़िया खालसा। अच्छा, हम आए तो बिल्ले लगे, जब भी डालने लगे, क्योंकि वो MLA था तो वो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह थे, वो मेरे जानकार थे सारे, वो पंजाब के थे। तो जब एक नियम खड़िया बरछा ले कह, सानू तो मार दे हैं आप जफिया बांधे मैं मार है। अच्छा, उसी टाइम मैंने चौधरी भजन लाल को एक प्रपोजल दी जी। मैंने कहा जी चार गांव हैं राजस्थान के, भाखरावाड़ी, हरिपुरा, ये चार गांव हैं जी। ये गांव तो अपने मतलब हरियाणा ले ले, चार गांव हैं चुटाला, तेजाखेड़ा, भारूखेड़ा, आसाखेड़ा, ये चुटाले वाले ये तो उधर कर। आपकी चलती तो इसका मतलब ये चुटाला साहब को राजस्थान में भेज देते। हाँ, भेज देते। लेकिन क्या हुआ, चौधरी भजन लाल ने वो इनसे बात करी, राजीव गांधी से। अच्छा। वे करी बात, लेकिन उस टाइम तक ये फैसला हो गया था कि ये मैथ्यू कमीशन या जो कमीशन बने है ये लागू नहीं होगा, वरना हमारा ये स्कीम तो आगे स्कीम। अब तो चुटाला गांव को भी और तेजाखेड़ा को दोनों को राजस्थान में भेज रहे हैं। तेजाखेड़ा, भारूखेड़ा भी चुटाले का ही हिस्सा है ना। अच्छा। आसाखेड़ा भी है, चुटाला तो शाग है और आसाखेड़ा में, आसाखेड़ा गोदारम का है। अच्छा। और वो सारणों का है, तीन ही 5,000-5,000 का है, ये तीनों ही 5,000-5,000 बीघे के वो चुटाला मालिक थे। अच्छा। तो मैंने ये चारों गांव है उधर फेंको, इधर चार गांव ले लो, फिर वो अपने ही गांव है। मेरा नानका था वो भाखरावाड़ी है। हाँ। वो ननिहाल था मेरा। अच्छा। इसलिए मैंने तो मैंने कहा ये बीमारी कट जाएगी चुटाला की, फिर वो आ जाएगी। तो लेकिन वो राहुल, राजीव गांधी जी ने वो फैसला रद्द कर दिया, राजीव लौंगोवाल समझौता लागू नहीं किया। फिर तो अब वो सरकार भी बदली 86 में, फिर 86 में बंसीलाल जी आ गए। इसीलिए कभी जाट को करेगा, लेकिन वो कोई असर नहीं हुआ। तो बंसीलाल जी काम तो अच्छा किया, काफी अच्छे मतलब, लेकिन लहर चल रही थी देवीलाल जी। हाँ, वो हवा चल पड़ी ना उनको 82 में, भाई इनको इनके साथ नुकसान किया है। 87 में फिर आप भी हार गए। हाँ, 87 में रणजीत सिंह था मेरे सामने, तो रणजीत सिंह ने मेरे को बुरी तरह हराया, 18,000 वोटों से हराया। और 91 में मैंने कहा अब के आ जाओ आप दोनों। अच्छा। क्योंकि 90 में
91 तो चुनाव लड़े नहीं। हाँ वो लड़े इसलिए नहीं कि हारते थे, 91 में मैं जीत्या, उनका ही आदमी था और रणजीत और चाहे चुटाला, चुटाला 90 में हराया था मेरे को, इसने 87 में हराया था। वो आज ही चौधरी देवीलाल ने कह दिया अभी मेरे परिवार से मैं ही लड़ूंगा। अच्छा, वो इधर से लड़े थे अपने गिराए से लड़े और प्रोफेसर छत्रपाल जीते। हाँ एक इधर से लोकसभा का लड़े, हाँ लोकसभा तक से, दोनों हार गए, दोनों ही हार गए। तो इस तरह की बातें। तो वो जो गिराए वाले प्रोफेसर छत्रपाल है वो तो आपके साथ मंत्रालय में भी रहे? हाँ मंत्रालय आपके 91 में थे, 91 में थे, टेक्निकल एजुकेशन था उनका भी, जो बिजनलाल से काफी विवाद रहा। हाँ वो थोड़े से प्रोफेसर थे ना, दबंग थे, शरीर के लंबे चौड़े थे, दबंग भी थे, तो वो सीधे सवाल जवाब करते थे कैबिनेट में भी। कैबिनेट में कई लोग थे जो मतलब है, फिर भजनलाल जी ने तो मेरे ख्याल से उनको हटवा ही दिया था बाद में। हाँ बाद में तो हटा ही दिया, तो उनकी चलती है। तो वैसे पहले सुरेंद्र सिंह को और इनको हटाया था, तो बंसीलाल के सुरेंद्र सिंह थे ना। हाँ जी हाँ, उनको भी हटा दिया था। अच्छा सुरेंद्र को मंत्री से मंत्रालय से बाहर मंत्री कर दिया था। तो इस तरह से कई बातें थी। अच्छा आप तो जैसे आपने जो भजनलाल के साथ भी काम किया, बंसीलाल जी के साथ भी काम किया, आप एक बहुत स्टेंटर से लेके बहुत लंबा एक दौर हो जाता है राजनीति का, तो आपकी नजर में बेस्ट मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा का? 1966 से लेके ही बंसीलाल, क्योंकि उन्होंने जबकि आपने उनके साथ थोड़ा सा काम किया था, थोड़ी एक साल का, लेकिन वैसे भी हम देखते हैं ना तो वो ओवरऑल उनका मकसद है मतलब हरियाणा को ऊपर उठाना, और इसी बात में उनका लगन थी। इसीलिए उनके टाइम हर गांव में सड़क गई जी, हर गांव में बिजली गई और पानी की व्यवस्था अच्छी, पक्के खाल बनाई, तो जो बुनियादी ढांचा था ना वो उन्होंने ऊपर उठाया। और ठोक के काम करते थे, ये होना है इस टाइम तक हो जाना चाहिए। अच्छा बस, और वो होता था। अच्छा आप जैसे भजनलाल जी के साथ भी मंत्री रहे, उनके साथ भी रहे और बाद में फिर दूसरे टर्म, तो आपके जो मंत्रालयों के कामकाज थे उसमें सीएम का कितना इंटरफेयर रहता? कोई नहीं, ये जिनके साथ मुख्यमंत्री की ठीक होती है उसमें नहीं होता। अब बना के चलते थे, बना के चलते थे क्यों गए, ठीक ठाक था। फिर तो चौधरी भजनलाल जी नाराज़ हो गए थे मेरे से। अच्छा, अंदर खाते नाराज थे, तो भी चुटाला साहब आए मेरे सामने, उन्हीं की शह से तो आए, जो 1996 आपको तो बट्टू भी भेज दिया था ना। हाँ फिर इन्होंने मेरे साथ साजिश करके बट्टू भेज दिया, बट्टू भी भजनलाल के बिश्नोई गांव थे। फिर ये बुढ़ा आ गया, ये सारे ही जो नेता थे इन्होंने वहां से दे दिया रोड, इन्होंने नेता थे, इन्होंने टांगे खींची। राजनीति है, चलो इनका भी वो चाणक्य नीति है ये। तो लास्ट चुनाव अपने 2014 का लड़ा। हाँ अब तो कोई इच्छा नहीं होगी चुनाव, अब तो कोई इच्छा नहीं, अब क्या इच्छा, अब चुनाव क्या लड़े। लेकिन बात क्या है कि ये कुछ बन जाए ना तो फिर एनर्जी आ जाती है। जैसे 10 साल और बढ़ जाते हैं उम्र के, जैसे नरसिम्हा राव के आ गई थी। हाँ, तो वो भी इतनी उम्र के थे। अच्छा, अब एनर्जी, इतने चुनाव लड़े हैं तो एनर्जी भी ठंडी हो रही है। अच्छा 9 चुनाव लड़े हैं, जैसे आपने पहले चुनाव में आपके 20,000 रुपये खर्चा आया, तो ये जो 2014 वाला चुनाव था इसमें कितना आया? काफ़ी महंगे हो, बहुत अंतर हो गया। और ये तो देखो, ये तो आपका तो घर का जुगाड़ ठीक था। हाँ जुगाड़ ठीक था, तभी तो अभी तो बचे बैठे हैं। जुगाड़ ठीक ना होता तो चुटाल लेरियन के खिलाफ चुनाव लड़ना मुश्किल, चुनाव कैसे लड़ते, घर का चुनाव और खेती बाड़ी का ही काम था।